रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी YouTube फैमिली? और आज हमारे किचन में बन रहा है आलू गोश्त, वो भी देसी स्टाइल में। आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इसके लिए जो चीजें चाहिए, ये है गाय का गोश्त है, ये 1 kg है। आलू जो है 1/2 kg, 6 से 8 अदद है। और प्याज जो है 3 अदद है। अदरक लहसुन 2 टेबल स्पून है। टमाटर जो है 4 अदद क्यूब में कटे हुए। और लाल पिसी मिर्च जो है 1 टेबल स्पून। हल्दी है 1 टीस्पून। जीरा पाउडर जो है 1 टेबल स्पून है। धनिया पाउडर जो है 1 टीस्पून। नमक जो है 1 टेबल स्पून। और गरम मसाला जो है 1 टीस्पून। और हरी मिर्चें 4 से 5 अदद। आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले कुकर में मैंने 1 प्याली जो है ऑयल डाल दिया है। और सबसे पहले हम आलू को फ्राई करेंगे। आलू फ्राई करने से आलू गोश्त में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आलू जो है अच्छे से फ्राई हो गए, अब इसको निकाल लेंगे। अब 3 से 4 अदद जो प्याज काटी थी वो शामिल करेंगे इसमें। और इसको हल्का गोल्डन ब्राउन करेंगे। अब इसमें गोश्त शामिल करेंगे। और इसको इतना भुनेंगे इसका अपना रंग पिंक हो जाए। गोश्त का कलर चेंज हो गया, पिंक हो गया। अब इसमें अदरक लहसुन शामिल करेंगे। अदरक लहसुन जो है ये मैंने फ्रेश डाला है। इससे ये के खाने में टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसको 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे अदरक लहसुन के साथ गोश्त को। वो जो अदरक लहसुन है भून गया, अब इसमें सारे स्पाइसेस डालेंगे। लाल पिसी मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ धनिया, नमक और जीरा पाउडर। साथ ही टमाटर शामिल करके पकाने के लिए थोड़ी देर रख देंगे इसमें। साथ ही टमाटर शामिल करके ढक के भी ऐसे पकाएंगे इसको। जो अच्छे से भून गया, टमाटर भी भून गए। अब इसमें 1 लीटर पानी शामिल करके इसको गलने के लिए रख देंगे गोश्त को। इसको पकने के लिए रख दिए कुकर में। इसको कम से कम 25 से 30 मिनट तक पकाएंगे ताकि गोश्त गल जाए। इसको हटाएंगे। अब ये गोश्त जो है हमारा गल गया है। इसको भून के चढ़ाया था। अब इसमें जो आलू तले थे फ्राई किए थे वो डाल के इसको 10 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि आलू अच्छे से गल जाए इसमें। आलू गल गए हैं। अब इसमें हरी मिर्ची शामिल करेंगे और जो ये गरम मसाला था वो डाल देंगे। और इसको 5 मिनट तक दम दे देंगे। इसको धीमी आंच पे 5 मिनट के लिए दम रख देंगे।
को हरा धनिया से गार्निश कर दिया था। यह हमारा आलू गोश्त तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच जाए। अल्लाह हाफिज़। और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा।